एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। जाते देखिए असद उमर साहब, जो मुझे उम्मीद है, मैं ये उम्मीद बल्कि कर रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई शायद बात करें आईएमएफ के बारे में, हो सकता है वो कोई इंटरव्यू वगैरह दें, लेकिन असद उमर साहब की जो तबीयत है ना, जो मिजाज है, वो उन्होंने कह तो दिया कि मैं रहूंगा इमरान खान के साथ, लेकिन उनके जो करीबी हल्के उनके दोस्त अहबाब हैं, बाकी उनके जो लोग हैं, सारे वो कहते हैं कि असद उमर साहब जो है वो इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट, वो अभी तो हंस रहे हैं ना, हंसते मुस्कुराते मार्केटिंग आदमी, वो हंसते खेलते, असद उमर साहब की एक स्टाइल भी है उनका, ठीक है ना, मतलब उनका लेकिन बात यह है कि असद उमर साहब क्या साइड पे चले जाएंगे कुछ दिनों में। इनके एक करीबी दोस्त ने कहा कि असद उमर साहब कुछ अरसे, अभी आप उनकी बातें सुनते रहे, कुछ दिनों के बाद रिजाइन करके अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक होता है ना कि असद उमर साहब को आप कहीं और, उन्होंने उनको ऑफर भी की गालिबन तवानाई की या कोई चीज, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, जो कि उनकी बड़ी बात है, ये बात बड़ी है कि कोई और मिनिस्ट्रियों ने नहीं ली, लेकिन बात यह है कि फिर उसके बाद बात तो यही होती है ना, हटा दिया गया, तो एक तरह से उन्होंने खुददारी भी दिखाई, बाकी जो है वो कह रहे हैं हमें इधर से इधर दे दो, इधर कहीं ना कहीं दे दो, हमें हमारी कारकर्दगी इधर बुरी थी, अच्छा उनको असल में रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन फिर ये भी मसला है कि वो रिजाइन कर देंगे तो फिर वो पार्लियामेंट पे सीरियस खत्म हो जाएगी।